गाइज वेलकम टू माई चैनल इन सिंपली रूप। आज मैं आप लोगों के लिए एक हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। थोड़ा वेस्टर्न सा हेयर स्टाइल है ये, जो आप बहुत अच्छी तरह से वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने आप कर सकते हो। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बहुत इजिली। चाहे आपके बाल छोटे हैं, लंबे हैं, मीडियम लेंथ हेयर है, पतले हैं, मोटे हैं, जिस तरह के भी बाल हैं, आप उन बालों के साथ ये हेयर स्टाइल जो है वो बना सकते हो। और इसके लिए आपको सिर्फ एक हेयर बैंड चाहिए और कुछ भी नहीं। और किस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपने अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लेना है, और कॉम करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप आपने पार्टीशन कर लेनी है। मैं साइड पार्टीशन कर रही हूँ। अपनी फेस के अकॉर्डिंगली आप अपने बालों को पार्ट कर सकते हो। पार्टीशन कर लेने के बाद जो मेरे पीछे के बाल हैं इनको मैं थोड़ा सा कॉम कर लूँगी। और एक इस तरह का रबर बैंड आपने लेना है, ये जो हेयर बैंड जो है वो ईजिली मार्केट से आपको मिल जाता है। आई थिंक 20 रुपीज़ का ये हेयर बैंड मिल जाता है। आप किसी भी कलर का ले सकते हो। मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ले रही हूँ। पीछे वाले बालों को मैंने कॉम कर लिया है। कॉम कर लेने के बाद अब इस हेयर बैंड को मैं अपने बालों पर प्लेस करूँगी। मैंने बिल्कुल सेंटर पे प्लेस करना है। आगे की तरफ बालों को छोड़ा और मैंने सेंटर की तरफ प्लेस कर लिया, और पीछे की तरफ मैं 2 टिक-टैक पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी। टिक-टैक पिन्स बिल्कुल पीछे मैं लगाऊँगी ताकि ये मेरा उसी जगह पर सेट रहे, हिले नहीं। पिन्स लगा लेने के बाद अब मैं जो मेरे बीच वाला सेक्शन है बालों का, हेयर बैंड के बीच वाले बालों का सेक्शन, उसको मैं सेट कर लूँगी। अब मैं आगे वाले बालों को थोड़ा सा सेक्शन लूँगी, सिर्फ इतना सा। इसको अपने हेयर बैंड के बीच में से इस तरह से निकाल लूँगी, इस तरह से, लाइक दिस। अब अगेन इनको मिक्स कर लूँगी नीचे वाले बालों के साथ। उतना ही सेक्शन एक और लूँगी और इसको फिर से अपने हेयर बैंड के बीच में से निकाल लूँगी एंड नीचे वाले सेक्शंस के साथ मिक्स कर दूँगी। एंड ये प्रोसेस हमने रिपीट करते जानी है, बिल्कुल जब हमारा जो सेक्शंस हैं बिल्कुल एंड तक, नीचे तक ना आ जाए। लाइक दिस वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। और आप मेरे बाल देख सकते हो गाइज, ये मैं रिसेंटली वाओ शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2-3 बार इसको यूज़ किया है और मेरे बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया, फ्रीजीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो। एंड इसका मैंने रिव्यू जो है वो अपने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट नाउ। अब हमारी ट्विस्टिंग एक साइड की कम्प्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी साइड पर जाऊँगी। दूसरी साइड भी सेम हमने वही प्रोसेस फॉलो करना है। इतना सेक्शन लेना है बालों का, अपने हेयर बैंड से इसको निकालना है। निकालने के बाद मिक्स इट विद अदर हेयर, फिर अगेन सेक्शन लेना है जो हमने बाल नीचे को निकाले हैं उसको भी साथ में लेना है, और सेम सेक्शंस ही लेने हैं सारे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं लेना, फिर अनइवननेस लुक में आएगी। तो हमने सेम सेक्शंस ही लेने हैं बालों के। तो ये प्रोसेस मैं बिल्कुल एंड तक सेम रिपीट करते जाऊँगी जब तक मेरे बाल बिल्कुल पीछे तक ना चले जाएँ, इस तरह से। आपके बाल अच्छी तरह से कॉम्ब होने चाहिए। अगर आपके बाल में अड़चने हैं तो ये आपको डिफ़िकल्टी आएगी ये वाली लुक करने में। सो अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेने चाहिए। अब मैंने सारे जो मेरे सेक्शंस थे, जितनों को मैं ट्विस्ट कर सकती थी मैंने कर लिया। बिल्कुल एंड वाला मैं कर रही हूँ, ये देखिए, बिल्कुल एंड वाला, बिल्कुल पीछे तक आपने ले जाना है, इस तरह से। अब आप चाहो तो ये लुक को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पर अपने बालों को पोनीटेल कर सकते हो, लेकिन मैं बन में इनको कन्वर्ट करूँगी। मैं एक बन बनाऊँगी इन बालों का बिल्कुल ईजली। मैंने अपने ये जो मेरे सेक्शंस रह गए हैं बालों का, जो लास्ट सेक्शन रह गया है, इसको मैं अपने रबर बैंड के बीच में इस तरह से डाल दूँगी और रोल 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 करना है ताकि सारे बाल अच्छी तरह से अंदर तक चले जाएं। इनको अच्छी तरह से अंदर तक कर लेने के बाद आप 2 जूड़ा पिन से इसको सिक्योर कर सकते हो ताकि ये हिले नहीं, इस तरह से, ये देखिए। सो माई हेयर स्टाइल इज कम्प्लीट। अब आप आगे वाले सेक्शंस को थोड़ा सा फ्लफ़ी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू
आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ा थोड़ा इनको फ्लफी कर लिया, सेट कर लिया। और मैं थोड़ी सी फ्लिक्स निकालूंगी दोनों साइड से। आप फ्लिक्स निकाल सकते हो थोड़ी थोड़ी। ये देखिए, एंड आप अगर आपने इसको लंबे टाइम तक के लिए रखना है तो आप हेयर स्प्रे भी कर सकते हो। नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय लुक विद दीज इयररिंग्स, सो आई एम रेडी, यू कैन चेक इट आउट। सो दिस इज माई फाइनल लुक, सिंपल येट एलिगेंट। होपफुली आपको पसंद आई होगी। ये इजी सा हेयर स्टाइल आप इजिली अपने आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, गाउन्स के साथ। बहुत इजिली आप इसको कर सकते हो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।